इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने शुक्रवार को लोहारू हलके का दौरा करते हुए अनाज मंडियों का निरीक्षण किया और सरसों खरीद को लेकर किसानों और आढ़तियों से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि जेजेपी पहले नवरात्र पर प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी तथा सभी उम्मीदवार मजबूत और शिक्षित होंगे। उन्होंने गठबंधन टूटने पर कहा कि राजनीति फिक्सिंग से नहीं हो सकती। हम मुद्दों के आधार पर भाजपा के साथ 20% के हिस्सेदार थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद नई सरकार में शामिल होने का औचित्य नहीं बचा था। इस मौके पर विजय सिंह गोठरा सहित अनेक जेजेपी कार्यकर्ता उनके साथ थे। भाजपा सरकार ने हरियाणा में 5100 रुपये बुजुर्गों को पेंशन देने का वादा नहीं निभाया, जिसके चलते जजपा ने बीजेपी से किनारा कर लिया था। जजपा हरियाणा प्रदेश में सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने मजबूत प्रत्याशी उतारेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि उन्हें इस चुनावी लड़ाई को पार्टी की लड़ाई ना समझकर क्षेत्र की भलाई की लड़ाई समझें और एकजुट हो जाएं। जजपा भाजपा का दिलों से गठबंधन नहीं टूटे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, उनका भाजपा के साथ किसी प्रकार का नाता नहीं रहा है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।